तो यार जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं 24 घंटे में दूसरा वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो मैं वीडियो लेके आ गया हूँ NIT पार्ट सेकंड। और क्या कहते हैं, वैसे तो कहा था 20 घंटे में, लेकिन 4 घंटे थोड़ा लेट हो गया, बट कोई नहीं। क्या कहते हैं, अब जरा जल्दी से वीडियो चालू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक कॉलेज ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन दबा ले, एंड क्या कहते हैं, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यार, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि ये जोशा की कट ऑफ चल रही है। जोशा में कैटेगरी रैंक इस्तेमाल होती है, CRL रैंक यूज़ नहीं होता। मैं अभी थोड़ी देर के अंदर क्या कहते हैं GFTI वाला भी आपका वीडियो लेके आ जाऊँगा, 4 बजे तक अपलोड हो जाएगा, 4:30 तक। वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितने रैंक तक चला जाता है, क्योंकि जैसे जोशा के अंदर क्या कहते हैं आपका IIT NIT IIIT एंड GFTI कॉलेजेस होते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको काउंसलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। एंड अभी NIT भोपाल की बात करते हैं, होम स्टेट का मतलब ये है कि आपने क्लास 12th मध्य प्रदेश से दिया है, कहाँ से बिलोंग करते उस पर नहीं आता। तो 11,000 तक CSC बंद हो गई थी, 49,000 तक मेटलर्जी गई थी, OBC में 16,000 तक गया था, और ST कैटेगरी में 3,560 रैंक तक गई हुई है। साथ ही साथ अगर मैं NIT भोपाल के आउटसाइड स्टेट की बात करूँ, तो आउटसाइड स्टेट में 46,000 मेटलर्जी, 15,000 OBC, 8,320 ST कैटेगरी का। NIT दुर्गापुर की बात किया जाए, वेस्ट बंगाल होम स्टेट है जिनका, तो उनकी मेटलर्जी का 48,000 तक बंद हुआ था, CSC 12,000 तक गया था। और देखो यार, CSAP में ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है, बट जोशा एक बच्चों को क्या कहते हैं पहला होता है, 6th राउंड की कट ऑफ है सारी, तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा जोशा के ऊपर फोकस करते हैं। तो OBC कैटेगरी की बात करें तो 27,000 रैंक तक बंद हो गया था, EWS 8,000 रैंक तक बंद हो गया था, ये कैटेगरी रैंक है उनकी। आउटसाइड स्टेट की बात करें NIT दुर्गापुर के अंदर, तो 48,000 तक गया था, 15,000 तक आपका कहते हैं OBC गया था, ST कैटेगरी 2,838 तक गया था। NIT पटना की बात करें, यार NIT पटना की बात करें, उससे पहले एक फ्री कॉलेज गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है बाय द कॉलेज खोजो, आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और साथ ही साथ कमेंट में भी लिंक पिन कर दूंगा, आप जाके वहाँ से फिल कर सकते हो फॉर्म को। वो आपको 10 से 15 मिनट का कॉलेज गाइडेंस का देंगे, अगर आपको जो डाउट्स है रिगार्डिंग कॉलेजेस, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये देखिए NIT पटना का होम स्टेट की अगर मैं बात करूं, तो CSC का 17,000 रैंक तक गया था जनरल कैटेगरी में। मेटलर्जी 5 ईयर BTech वाला प्रोग्राम है ये, ठीक है, 56,000 तक गया है, 6,000 का SC कैटेगरी में गया है, मैकेनिकल 5 ईयर, एंड 5,730 का ST कैटेगरी के अंदर गया है। अगर हम बात करें NIT पटना में आउटसाइड स्टेट का, तो 43,000 वही अगेन मेटलर्जी 5 ईयर, EWS का 8,100 एंड 665 मैकेनिकल के 5 ईयर में गया हुआ है। NIT हमीरपुर की बात करें होम स्टेट के अंदर, तो NIT हमीरपुर में मटेरियल साइंस जिनका है जनरल कैटेगरी में 1 लाख तक गया हुआ है, एंड 18,000 EWS में है, 93,000 OBC के अंदर है, 11,000 आपका SC कैटेगरी में, ST कैटेगरी में डेट इज़ 4,271 है। वही CSC की अगर हम बात करें, तो CSC 21,000 एंड SC कैटेगरी डेट इज़ 3,000। आउटसाइड स्टेट वालों की बात करें, तो मटेरियल साइंस में 49,000 तक गया हुआ है आपका जनरल कैटेगरी, OBC का गया हुआ है 16,000, 8,733 SC कैटेगरी का। NIT मेघालय की बात करते हैं, NIT मेघालय नॉर्थ ईस्ट का कॉलेज है, होम स्टेट के अंदर काफ़ी हाई रैंक जाती है, जैसे सिविल के अंदर 1,42,000 तक जनरल कैटेगरी का गया हुआ है, और 8,603 तक का ST कैटेगरी का सिविल इंजीनियरिंग गया हुआ है। वही अगर बात करें आउटसाइड स्टेट वालों की, तो CSC यहाँ पे NIT मेघालय में भी जोशा के अंदर 19,000 तक बंद हो जाती है, 55,000 तक बंद हो जाता है सिविल इंजीनियरिंग, OBC 17,000 तक बंद हो जाती है, SC कैटेगरी 8,000 तक बंद हो जाती है। NIT कैलिकट होम स्टेट टॉप 5 NIT के अंदर आती है, और क्या कहते हैं इसकी अगर हम बात करें, तो 10,000 तक CSC जाती है, मटेरियल साइंस 39,000 तक जाता है होम स्टेट में, 12,000 OBC में जाता है, एंड SC कैटेगरी में CSC 5,000 तक जाती है। वही आउटसाइड स्टेट की अगर हम बात करें NIT कैलिकट के आउटसाइड स्टेट के अंदर, तो मटेरियल साइंस जो है वो 38,000 तक, यानी किसी की अगर जनरल कैटेगरी यानी CRL रैंक 38,000 है तो उसका हो जाएगा, EWS कैटेगरी का 7,304 है, OBC का 12,000 के आसपास का है, SC कैटेगरी का 7,411 है, ठीक है। और वही CSC की बात करें तो 5,256 है। फिर बात करते हैं NIT वारंगल, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है तो यार NIT वारंगल का, और होम स्टेट के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, और टॉप क्या कहते हैं 3 NITs के अंदर NIT वारंगल, तो CSC की बात करें तो जनरल कैटेगरी का डेट इज़ 3,115 CSC बंद हो गई थी, OBC 974 पे बंद हो गया था कैटेगरी रैंक, 719 पे SC एंड ST में सिर्फ 78 रैंक पे बंद हो चुका था।
मेटलर्जी की बात करें तो मेटलर्जी 40,000 तक जाती है, सबसे लास्ट ब्रांच यहीं यहाँ पे सी का है, 13,000 आपका ओबीसी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी डेट इज़ 1,200 तक जाती है। अगर हम बात करें आउटसाइड स्टेट वालों का तो ईडब्ल्यूएस का सीएससी में 348 तक बंद हो जाता है, वही एसटी कैटेगरी का आउटसाइड में 174 तक बंद हो जाता है। मेटलर्जी 27,000 तक बंद हो रही है, ओबीसी 10,000 तक बंद हो रही है और एससी कैटेगरी 5,630 तक बंद हो रही है। फिर यार बात करते हैं एनआईटी उत्तराखंड की, अगर क्या कहते हैं अगर आपको उत्तराखंड के अंदर लेना है तो जो होम स्टेट वाले हैं उनका काफ़ी हाई रैंक तक जाता है। यहाँ पे भी सीएससी उनको एनआईटी के अंदर 27,000 पे दिख जाता है जनरल में, और ईडब्ल्यूएस में 5,900 में, वही एससी कैटेगरी में 3,729 में, वही सिविल की अगर बात करें तो 64,000, 10,000, 25,000 ओबीसी, एससी कैटेगरी डेट इज 9,600। आउटसाइड स्टेट की अगर हम बात करें तो आउटसाइड स्टेट के अंदर कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो 18,000, ईडब्ल्यूएस 2,900, ओबीसी 6,099 एंड सिविल का 16,000 तक है, 48,000 तक जनरल का है सिविल में। फिर बात करते हैं एनआईटी नागालैंड का आउटसाइड स्टेट का, ठीक है। एनआईटी नागालैंड के आउटसाइड स्टेट की अगर हम बात करें, मैंने होम स्टेट का नहीं लिया था यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 30,000 तक है, सिविल वाले 57,000 तक, 9,603 तक जोशा के अंदर, ईडब्ल्यूएस में भी बंद हो गया था, 18,000 तक ओबीसी में, 8,800 तक एससी कैटेगरी में बंद हो गया था। फिर एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करें, जिनका भी होम स्टेट आपका क्या कहते हैं क्लास 12th अगर आपने हरियाणा से दिया, यानी अगर आपका स्कूल फरीदाबाद में था, फरीदाबाद का एड्रेस है, तो भी आप हरियाणा के अंदर ही आएंगे। तो अगर आपका एनआईटी कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का सीएससी में 9,000 तक जाता है, ईडब्ल्यूएस का 1,700 तक जाता है, ओबीसी का 3,715 तक जाता है। प्रोडक्शन की बात करें 45,000 तक, 7,442 तक ईडब्ल्यूएस में, 17,000 तक ओबीसी के अंदर। ऐसे बात करूँ तो एनआईटी कुरुक्षेत्र का सिविल का प्लेसमेंट रेशियो इतना अच्छा नहीं है सिविल इंजीनियरिंग का, बाकी सीएससी का ठीक है। आउटसाइड स्टेट की बात करें तो 7,400 तक सीएससी है, 42,000 तक प्रोडक्शन है, 14,000 तक ओबीसी है, ठीक है प्रोडक्शन के अंदर। अब आते हैं एनआईटी सिक्किम आउटसाइड स्टेट, काफ़ी अच्छा कैंपस है, ब्यूटीफुल कैंपस है, पहाड़ की वादियों में बहुत अच्छे नज़ारे यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। सिविल इंजीनियरिंग 55,000 तक बंद हो जाती है, सीएससी 24,000 तक बंद हो जाती है, ओबीसी में 17,000 तक बंद हो जाता है, 8,200 तक आपका एससी कैटेगरी के अंदर बंद हो जाता है। फिर बात करते हैं यार एनआईटी सूरत का, यानी गुजरात, जिन्होंने क्लास 12th गुजरात से दिया है, तो उनके जो अगर होम स्टेट की बात करें तो 55,000 तक सिविल बंद होता है, सीएससी 7,900 तक बंद होता जाता है जनरल में, ओबीसी में 54,000 तक बंद हो रहा है सिविल, 19,000 में एससी कैटेगरी में बंद हो रहा है। एनआईटी सूरत का आउटसाइड स्टेट की अगर मैं बात करता हूँ तो आउटसाइड स्टेट में 43,000 तक सिविल जा रहा है, 14,000 तक ओबीसी में जा रहा है, 1,700 तक सीएससी जा रहा है एससी कैटेगरी के अंदर। सो आई होप आपको क्या कहते हैं कि क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस किसमें मिल रहे हैं। मैंने ऑलरेडी पार्ट वन बना रखा है, तो जिन्होंने पार्ट वन नहीं देख रखा है वो पार्ट वन देख लें, ठीक है। वहाँ पे बाकी सारी एनआईटीज के ऊपर मैंने डिस्कस कर दिया था, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। जीएफटीआई की वीडियो 4 बजे तक अपलोड हो जाएगी, 4 से 5 बजे तक। तो थैंक यू एवरीवन, जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है कॉलेज ऑप्शन को सब्सक्राइब कर लो, और नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ्री गाइडेंस फॉर्म का लिंक दे दिया है, बाय कॉलेज खोजो, आप जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।